सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। मैं दरबान बुरेवाल। गाइस कैसे हो, आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस आज शनिवार का डे है, काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहने वाला है रेस्टोरेंट में। तो जो भी इंडियन डिशें हैं, जो भी फूड है, वो आप लोगों तक शेयर कर रहा हूँ। और अच्छा लगे तो कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये हमारे बुरा सेव हैं, सीनियर सेव हैं। और जो कि कहाँ से हो सेब साहब? उत्तराखंड से। उत्तराखंड कौन सी जगह से? बागेश्वर से। तो बागेश्वर गरुड़ से है ना सेब साहब? हाँ, बागेश्वर गरुड़। हाँ, तो गाइस हमारे सेब साहब हैं, हेड सेब हैं, चाइनीज हेड सेब हैं। तो अपने उत्तराखंडी भाई को बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप भी बोलो, वो क्या बोलते हैं, घंटी दबा दीजिए, घंटी पहले आइकन को दबा दीजिए। हाँ, तो अपने उत्तराखंडी भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट। किस तरह से काम होता है, कितना क्राउड रहता है, वो आप लोगों को सारी चीज़ें शेयर करूँगा। और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऑर्डर आना चालू हो चुका है, जो कि सबसे पहले चिकन बिरयानी बन रहा और फाइनली बन भी चुका है, जो कि पैकिंग ऑर्डर और टेबल का ऑर्डर है गाइस। तो इस तरह से दो चिकन बिरयानी का ऑर्डर आ चुका है सबसे पहले। इसी तरह से 7 बजे से 12 बजे तक रात को ऑर्डर आते रहेंगे। और रेस्टोरेंट में काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है रेस्टोरेंट संडे और सैटरडे को। और फाइनली हमारा चिकन बिरयानी फटाफट पिकअप होने को जा रहा गाइस, इस तरह से तैयार हो चुका है। और जो कि रोस्टेड चिकन और टमाटो ग्रेवी, ब्राउन ग्रेवी और मास्टर ग्रेवी और बाकी इंडियन मसाले ऐड होते हैं गाइस। और ऊपर से इस तरह से गार्निश किया जा रहा, जो कि ब्राउन ऑनियन है और कोरिएंडर लीव है, जिंजर है और साथ में एग भी जाएगा गाइस। इस तरह से एग को काट के ऊपर से गार्निशिंग के तौर पर यहाँ एग भी दिया जाता है, जो कि हमारा रेस्टोरेंट है गाइस माधुरी रसोई के नाम से, जो कि आजमगढ़ में पड़ता है। आप लोगों को भी, आप लोग भी आइएगा, वेलकम है आप लोगों का। तो ये सोया टिक्का मसाला बन चुका है, जो कि मास्टर ग्रेवी और ब्राउन ग्रेवी, टमाटो ग्रेवी ऐड होता है, बाकी इंडियन मसाले और लेस स्पाइसी रहता गाइस ये डिश। और तंदूर से सोया रोस्टेड करके ऐड किया जाता है इसमें ग्रेवी के साथ, थिक ग्रेवी में रहता है। इस तरह से फाइनली टेबल के लिए ऑर्डर हो चुका है। तो गाइस इस तरह से एक सेब लाइव होती है, आप लोग भी जान सकते हो शनिवार और संडे को सेब को कितना प्रेशर होता है, क्योंकि टेबल भी देखना होता और रेस्टोरेंट का खाना भी देखना होता, तो दोनों तरफ का काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है। तो ये हमारा दाल तड़का बन चुका है, जो कि टमाटो और ऑनियन और जिंजर गार्लिक का तड़का मार के अच्छे से कुक होके दाल बन चुका है। और ये हमारा मटन मटका बन चुका है, जो कि देख सकते हो गाइस एकदम थिक ग्रेवी में रहता है। और मटन के 4 पीसेस होते हैं, जिसमें नली, चाँप, बोटी, बोनलेस, इस तरह से पैकिंग का ऑर्डर हो चुका है। और पनीर लबादार हमारा साथ में बन चुका है, इसका टेस्ट स्वीट एंड सॉल्ट रहता गाइस। और ये मलाई कोफ्ता है, जो कि मुगलाई डिश है गाइस, और स्वीट एंड सॉल्ट रहता है इसका टेस्ट। इसमें मसाले में इलायची पाउडर और शुगर, कोकोनट पाउडर, ऊपर से ड्राई फ्रूट ऐड किया गया गाइस। और इस तरह से क्रीमी में ऊपर से गार्निशिंग कर रहे हैं सेब, जो कि हमारे साथ में दूसरे सेब हैं। तो इस तरह से फाइनली मलाई कोफ्ता रेसिपी है गाइस। और वाइट ग्रेवी बनता है, जो कि काजू और मगज़ की ग्रेवी होती है। और ये मिक्स वेजिटेबल बन चुका है, जो कि ड्राई रहता गाइस। इसमें टमाटो मास्टर और ब्राउन ग्रेवी ऐड रहता है, बाकी वेजिटेबल रहते हैं। और कढ़ाई पनीर तो आपको पता ही होगा गाइस कितना रेस्टोरेंट में चलता है, सबसे हाई लिस्ट पर कढ़ाई पनीर का डिश चलता है, क्योंकि स्पाइसी रहता है ये डिश, तो काफ़ी ज़्यादा चलता है रेस्टोरेंट में। और ये येलो दाल तड़का फिर जाके तैयार हो गया गाइस, क्योंकि रेस्टोरेंट में ऑर्डर आए जाने ये पनीर लबाबदार और बटर नान लच्छा पराठा तैयार हो चुका है, जो कि रेस्टोरेंट के लिए पिकअप हो रहा गाइस। तो इस तरह से सेब लाइव होते हैं गाइस शनिवार और संडे को, काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है रेस्टोरेंट में। ये 4-5 मिनट का वीडियो शेयर कर रहा हूँ, बाकी शनिवार को तो बहुत ज़्यादा क्राउड रहता है। तो
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पूरा वीडियो वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और फिर मिलता हूँ नेक्स्ट डे के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय बाय।